माँ लक्ष्मी को करना हो प्रसन्न तो अमावस्या की रात पढ़ें ये स्तोत्र। 27 अक्टूबर 2019 दिन रविवार को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि है और इसी दिन दीपावली का शुभ पर्व मनाया जाएगा। कहते हैं कि इस रात लक्ष्मी पूजा के साथ साथ भगवान गणेश व कुबेर देव की पूजा करने का भी विधान है। इस रात बहुत से लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पाठ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जाप से आप माँ लक्ष्मी की अपार कृपा के पात्र बन सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली की रात में माता महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन अर्चना करने के बाद माता महालक्ष्मी की इस स्तुति श्री लक्ष्मी स्तव का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी मनोकामना पूरी कर देती है। अथ श्री लक्ष्मी स्तव। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र दहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली है महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गद्दा धारण करने वाली है महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ नारुदे को लासुर भयंकरी सर्व पापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली है भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वगे सर्वव्रदे सर्व दुष्टभ्यंकरी सर्व दुख खहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सबको जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली है देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली है मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्य अंत रहते देव आद्य शक्ति महेश्वरी योग्य योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महुड्रे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोद्रा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो, हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्ब, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबरधे देवी नानालंका भूषिते जगत स्थिते जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषिता हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र यह पठेत भक्तिमान रह सर्व सिद्धिम वापनोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। अर्थात जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त कर सकता है। एकाले पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकालम यह पठे नित्यं धन धान्य समन्वितः। अर्थात जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, जो दो समय पाठ करता है वे धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। अर्थात जो प्रतिदिन तीन काल पाठ करता है उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती है।